अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्थी होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस बिस्ट। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ आज एक स्पेशल चीज़। मतलब स्पेशल नहीं बोल सकते उसको, स्पेशल बोल सकते हैं हम, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है और इसमें अगर हमने वो नहीं खाई तो क्या ही खाई। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। बाहर हो गई बारिश तो अनु की फरमाइश है कि पकौड़े खाने हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े प्याज के, आलू के, मिर्च के और गोभी के भी। तो चलिए चलते हैं, पकौड़े बनाते हैं। और कैसे कैसे मैं बना रही हूँ, किस प्रोसेस से बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। और जो भी मेरे ब्लॉग में भी नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं पकौड़े। मेरा तेल हो रहा है गर्म, तो चलिए चलते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने प्याज काट दिए हैं बारीकी से और आलू भी काट दिए हैं। ये है गोभी, ये घोल दिया मैंने बेसन, क्योंकि अनु को जैसे हम सिंपल खड़े प्याज के पकौड़े बनाते हैं और राउंड करके आलू के पराठे पकौड़े बनाते हैं, वो उनको नहीं पसंद है। उनको ऐसे चॉप करे हुए और एक साथ मिक्स करे हुए पसंद हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ उस वैसे जो एक साथ मिक्स करे होते हैं वो वाले, और अपने लिए बनाऊँगी जो खड़े प्याज के होते हैं वो वाले। तो चलिए चलते हैं आगे और बनाते हैं इसको। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं एक साथ। अभी गोभी हैं वो बाद में करूँगी। कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बनेगा, ट्राई करके देखना, वाकई बहुत टेस्टी होते हैं। अब हम वन बाय वन करके इसको इसमें डालेंगे। तो गाइज, यहाँ पर मेरे ये पकौड़ी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं, तो मैंने इनको पलट दिया है। तो चलिए अभी बनाती हूँ मैं पकौड़ी, और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा है अभी। जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पर रख दिया चाय उबलने के लिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में पकौड़ी बनाने के बाद, ठीक है, बाय। सो गाइज, यहाँ पर मेरी पकौड़ी हो चुकी है तैयार। कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, अब जैसे भी हैं, पर मैंने बना दिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं, बट थोड़े से जल गए हैं इसमें, बट कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी एक टाइम का जो एक बारी का क्या बोलते हैं, एक बारी का है गया, अभी वो फ्राई हो रहे हैं। मैं उनकी शक्ल दिखाती हूँ, उनकी शक्ल तो इतनी अजीब हो रही है ना, मतलब दिखाती हूँ मैं, अंदाज़ा लगा लेना खुद ही। ये देखो, ये किसी भी एंगल से पकौड़ी जैसे लग ही नहीं रही हैं। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे गांव में वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुए पुए, उस तरह के लग रहे हैं मुझे क्योंकि लास्ट का रह गया था और लास्ट में पतला सा हो जाता है वो बेसन, तो उसकी वजह से ये ऐसे बन गए हैं। बट कोई नहीं, टेस्टी होंगे ये भी खाने में। और चाय मैंने यहाँ पर बना दी है मेरे अनु के लिए, अभी अनु सो रहे हैं, तो चलिए
मैं सब एक साथ ट्रे में सेट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ रेडी हो चुकी है। ये है मेरी चाय, ये है अनू की चाय, ये टमाटो सॉस हमने ले लिया है, केचप, और ये है हमारी पकौड़ी स्पेशली। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर और उठाते हैं अनू को। हमारे साहब ज़्यादा उठ चुके हैं। गुड इवनिंग। ओए गुड इवनिंग। चलो चाय, कौन सी जो पसंद आ रही ले लो। सो टेस्ट करके बताओ, खाते लो पहले, गर्म है वो अभी। स्पाइसी है। तो चलिए गाइस, मेरे यहाँ पे जो इवनिंग स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों जा रहे हैं खाने के लिए। इसे आज अनु के लिए मैंने भर भर के बनाए, और टाइम इनके लिए कम हो जाते हैं ना ना, आज मैंने इनके लिए भर भर के बनाए। सो चलिए हम इंजॉय करते हैं अपने से अपनी पकौड़ियाँ और चाय। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, और इस तरह से पकौड़ी जैसे मैंने बनाई है मुझे अनु ने सिखाई है। तो हाँ, छोटे छोटे कट करके ना, आलू और प्याज वैसे बनाई मैंने। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी होते होंगे इनको तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो तब तक ये सारे खाने में लगे हुए, मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय, टाटा, सी यू।